फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर में चुनावी चर्चा के लिए हमारे बीच में उपस्थित है नेजा के संपादक संजय शाह। 2023 के विधानसभा की चुनावी रणभेरियां बच चुकी हैं, करीब करीब तमाम पार्टियों के टिकट बट चुके हैं और सतना जिले की 5 और मैहर जिले की 2 विधानसभा सीट की तस्वीर काफी कुछ साफ हो चुकी है। तो आज हम चुनावी चर्चा कार्यक्रम में संजय शाह से बात करेंगे मैहर विधानसभा सीट पर कि, तो संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो संजय जी, जिस तरीके से ये चर्चा थी कि मैहर विधानसभा से नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस टिकट देगी और कांग्रेस ने नारायण त्रिपाठी को टिकट नहीं दिया, आपको क्या लगता है कि नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया? पहले तो केशव भाई, आपके विशाल खबर के माध्यम से पूरे शहर की जनता को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने मुझे आज आपने याद किया, उसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। आपने नारायण त्रिपाठी के बारे में कहा, नारायण त्रिपाठी इस उम्मीद से थे कि मैं इस बार कांग्रेस कमलनाथ जी के मैं संपर्क में हूँ जी, और उन्होंने मैहर जिले की उन्होंने बात कही थी जी। उनको लगा था मैहर जिले की, मैंने चूंकि कमलनाथ के सरकार में मैहर जिले की हमने बात कर ली है, मैहर जिला बनने की कगार पे था और कहीं करीब करीब फाइनल था। नहीं नहीं, कमलनाथ ने तो घोषणा कर ही दी थी, घोषणा के बाद उनकी सरकार गिर गई, इसलिए नहीं बन पाया जी। सही है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी ने इसको फिर तामझाम से पपगंडा। भारतीय जनता पार्टी का देखिए यहाँ पर कदम तो गलत इसलिए था कि वो एक कहावत है कि भाई 4 दिन बाद जो काम करना था आपको, अगर आपने उसी समय मैहर जब जिला घोषित हुआ था उसी समय उसका नोटिफिकेशन करा देते और उसके बाद ये कहते कि भाई हमने सरकार माने हमने जिला बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मैहर को जिला बनाया, तो उससे मुझे लगता है कि आप उस बात का श्रेय ले जाते। लेकिन आपने वही कहावत है ना कि आपने बनाया लेकिन जब चुनाव के 4 दिन पहले आपने उसकी घोषणा कर दी। उसका कारण था केशव भाई, होता क्या है कि नारायण त्रिपाठी अगर उस टाइम भाई श्रेय तो अभी भी नारायण त्रिपाठी ने ही लिया, मगर वर्तमान में शिवराज सरकार इस बात को अपना प्रोपेगंडा कर रही है और ये बात कह रही डंके की चोट में कि साहब नहीं, जिले का अगर श्रेय बनाने किसी को लाभ है तो वो है भारतीय जनता पार्टी को। भाई तो ये तो उस समय भी जब बनाते जब कांग्रेस ने घोषित कर दिया था जिला, तो ये कह सकते थे भाई नोटिफिकेशन हम लाए, कांग्रेस को जिला हमने बनाया, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने जिला बनाया, और जब आप 4-6 महीने साल भर उसकी तैयारी करते हल्ला करते तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती। माने आप कोई माने एक किसी ने कहा ना कि आप अगर एक झूठ को 100 बार ताकत से बोलिए तो वो भी सच दिखाई पड़ने लगता है। यहाँ तो झूठ बोलने वाली बात ही नहीं थी भाई, अगर आप नोटिफिकेशन करते मैहर को कि मैहर को हमने जिला बनाया तो। लेकिन क्या है, नेताओं कि एक अलग फितरत होती है, उनको क्या लगता है कि 4.5 साल तक आप जनता को चूसते रहो, निचोड़ते रहो, परेशान करते रहो, डंडा मारते रहो, तकलीफ देते रहो और 4.5 साल बाद फिर उनको लालीपाप, झुंझुना, घोषणा पे घोषणा घोषणा, माने उनने बिल्कुल जनता को ये समझ लिया है कि ये निरा मूर्ख है, निरा उल्लू है, कुछ भी करते रहो। 4.5 साल तक कान में रुई डाल करके नेता बैठ जाता है, फिर 4.5 साल के बाद घोषणा ये शुरू कर देता है। चूंकि चुनावी समय है ना, ये तो चुनावी समय तो ये गलत है ना, ये जनता के साथ छलावा है, धोखा है। और जनता को ये बात समझनी चाहिए कि जो जो भी पार्टी, जिस भी तरीके के लोग जो हैं, जो 4.5 साल कान में रुई डाल के बैठे रहते हैं और 4.5 साल बाद जनता के समर्थन में जनता के हितों की, जनता के लाभ की घोषणाएं करते हैं, वो छल करने वाले नेता हैं, उनको किसी भी जनता को वोट देना नहीं चाहिए ऐसी पार्टियों को। केशव भाई, आपके ध्यान में भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि मुफ्त की रेवड़ी बांटना बंद करें, उसके बावजूद भी सरकार अपने आदों से बाज नहीं आती। वो तो करीब करीब आज की तारीख में मुफ्त की रेवड़ी जो है, माने किसी ने एक चीज़ कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी भी पार्टी बननी चाहिए जो इनकम टैक्स पे ही है, टैक्स हम देते हैं,
मजा दूसरे लोग मार रहे हैं, और फिर जब टैक्स पेयरों की एक पार्टी बन जाएगी जो टैक्स पे करते हैं, तो फिर वो तय करेंगे कि देखो टैक्स हम दे रहे हैं हमारे हिसाब से, देश के हिसाब से, देश के उत्थान के हिसाब से योजना, आप जितनी मुफ्त की रेवड़ियां बांटोगे उससे कहीं ना कहीं प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ेगा, देश के ऊपर कर्ज बढ़ेगा, और जब देश और प्रदेश के ऊपर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का कर्ज बढ़ेगा तो देश का विकास निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने से देश और प्रदेश की प्रगति नहीं होने वाली, देश की प्रगति तब होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्कूल खुलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, सिंचाई की परियोजनाएँ बढ़ेंगी, सड़क बढ़ेंगी, बिजली बढ़ेगी, और जब आप सारे टैक्स का पैसा जो राजस्व सरकारों को प्राप्त हो रहा है वो जब लाडली लक्ष्मी में चला जाएगा, लाडली बहना में चला जाएगा, सिलेंडर बांटने में चला जाएगा, तो विकास किस पैसे से होगा? देखिए केशव भाई बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मगर होता क्या है जब चुनाव आता है इन नेताओं को लगता है कि अगर मैं इस तरह का प्रलोभन दूंगा जनता भूल जाती है। आपने कुछ देर पहले कहा कान में जनता रुई डाल के बैठ जाती, ऐसा नहीं। नेता जितना झूठ बोल सकता है, जितना जनता को चुटिया बना सकता है, उससे अच्छा कोई काम ही नहीं कर सकता। दूसरी बड़ी बात आपने कही कि नारायण त्रिपाठी अब न वो इधर के रहे न वो इधर के रहे, उन्होंने जो बिंद अपनी पार्टी बनाई थी, हो सकता हो आने वाले समय पर इस वक्त बताएगा कि चुनाव वो अपने दल से लड़ते हैं या नहीं लड़ते। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने जिस व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित किया है, धर्मेश गई को नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब उन्हें टिकट मिली होगी तो स्वयं चौंक गए होंगे। होता क्या है कि हर व्यक्ति लाइन में लगा रहता है, मगर कभी कभी अंधे हाथ बटेर जो कहानी बनी है वो तो सत्य लगी। धर्मेश जी को ऐसा, धर्मेश जी ठीक है समाज क्षेत्र में काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता रहे हों, मगर वर्तमान में मुझे तो ऐसा लगता है कि पार्टी ने यह सोच समझ लिया कि नारायण त्रिपाठी पिछले बार हमारे साथ कांग्रेस में थे और आज अगर फिर कांग्रेस में जीते हैं कल फिर भाजपा चले जाएंगे, भरोसा नहीं। तो नारायण त्रिपाठी का वजूद था नहीं। अब धर्मेश चतुर्वेदी कितने आगे के, उनको जनता क्या लाभ क्या देखती है, क्या उनको चीतती है जिताती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तीसरी जो मैहर के चुनाव को एक देखने वाली बात है संजय जी, कि मैहर के चुनाव में हर बार कोई ना कोई पटेल प्रत्याशी चुनाव लड़ता था, सत्य है, और बीते कई वर्षों से पटेल लड़ता तो था लेकिन जीतता नहीं था। इस बार पटेल प्रत्याशी अभी तक चुनाव मैदान में दिखाई नहीं पड़ा। मनीष पटेल के चुनाव लड़ने की चर्चा थी और चर्चा ऐसी है कि मनीष पटेल को माने कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने चुनाव लड़ने से रोका और एक निश्चित रणनीति के तहत रोका गया है उनको। अब आप एक चीज़ ये बताइए कि जब पटेल समाज का प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है तो ये वोट कहाँ जाएंगे? देखिए केशव भाई, इस बात से पूरी जनता मैहर की जानती है, पूरा जिला जानता है कि श्रीकांत चतुर्वेदी कल तक कांग्रेस में थे, आज भाजपा में आ गए। जहाँ जहाँ नारायण त्रिपाठी जाते थे वो दल छोड़ के दूसरे दल में चले जाते, वो उनका 36 का आंकड़ा है, तुम जहाँ रहोगे हम वहाँ नहीं रहेंगे। अब आपने मनीष पटेल की बात कही, सांसद चूंकि जाति समीकरण के तहत हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं और जातिगत वोटों के कारण मनीष पटेल ने कोई, हो सकता हो सांसद जी ने इस बात को लालीपाप दिया हो कि आपको श्रीकांत जिताना है, क्योंकि नारायण त्रिपाठी ने चुनौती सांसद को भी दी थी, हमारे क्षेत्र में आके देखें कैसे आते हैं। उसके बाद चुनौती का सामना करते हुए सांसद गणेश सिंह उस जगह पहुंचे भी थे। उसके बाद नारायण त्रिपाठी कोई वापसी को उसका तीर तरह वापस नहीं आया, नारायण ने कोई पहल किया हो या कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया हो। गणेश सिंह ने जाना, नारायण त्रिपाठी ने तो अभी एक अपने बयान में कहा कि मैं तो सांसद गणेश सिंह से बात करता हूँ और हमारी रेगुलर बात होती है, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, ये भी हालत आज का बयान है, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मगर उसके पहले अगर आप कुछ दिनों पूर्व अगर देखेंगे, वो तो चीज़ें थी, लेकिन मैं वही मानता हूँ कि राजनीति में सही बात यह है कि राजनीतिज्ञ व्यक्ति का कोई चरित्र नहीं होता, सत्य है, न उसका स्थायी विरोध होता है न स्थायी मित्रता होती है, वो कब कहाँ क्या कैसे कर ले कोई चीज़ का भरोसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार मैहर के जो चुनावी समीकरण हैं वो वहाँ के परिदृश्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि बदले हैं और इस बार का चुनावी जो मुकाबला होगा वो कहीं ना कहीं बड़ा रोचक होगा, बड़ा मज़ेदार होगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी से श्रीकांत चतुर्वेदी हैं,
या तो अब नारायण त्रिपाठी विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या कोई नई पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह देश में जाना पहचाना जाता होगा उस पार्टी से वो टिकट ले आके लड़ सकते हैं। बहुत संभावना है कि वो विंध्य जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। अगर आपको भी ध्यान हो समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की टिकट घोषित हो चुकी है। अब इनके पास कोई दल ऐसा बसता नहीं है, या तो ये फिर उस दल की टिकट को कैंसिल कराए हाँ और फिर नए तरीके से लेके, मगर अब संभावना नहीं दिखती। हाँ। अब मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले अखिलेश जी ने भी उस बात को खुले रूप में कहा कि हमने कांग्रेस गठबंधन किया पर उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा, उन्होंने हमारे से कोई समझौता नहीं किया। हाँ, 6 सीट की बात चल रही थी। हाँ, और उसका उनको दिया नहीं गया। इससे लग रहा है कि अब वर्तमान में नारायण त्रिपाठी के पास विंध्य जनता पार्टी का विकल्प। अच्छा, जब विंध्य जनता पार्टी की बात, अब एक चीज ये बताइए कि एक बड़ा विरोधाभास था नारायण की बातों में और नारायण के राजनैतिक हालातों में। सही है, एक तरफ वो बिंदी की बात कर रहे थे, अब अगर आप बिंदी की बात कर रहे थे तो फिर कांग्रेस से टिकट क्यों मांग रहे थे? सही है। दूसरी चीज, अगर आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं तो फिर कांग्रेस की शर्तों पे आपको टिकट लेना होगा। आज उनने मुझसे कहा कि मुझे कांग्रेस से टिकट इसलिए नहीं मिली कि कांग्रेस ये कह रही थी कि आप भिन्दी जनता पार्टी वाला मामला विड्रा कर दो तो हम आपको टिकट दे देंगे, हम भिन्दी जनता पार्टी के मामले को विड्रा करना नहीं चाहते। तो जब आप टिकट मांग रहे थे या जो आपकी बात चल रही थी, ये तो बात तो पहले ही स्पष्ट कर देनी चाहिए थी, और वो भी आपको स्पष्ट कर देते कि आप अगर आप भिन्दी जनता पार्टी या भिन्दी के मामले को विड्रा नहीं करोगे तो हम आपको टिकट नहीं देंगे, तो आपकी स्थिति पहले से स्पष्ट रहती कि आप कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो। लेकिन ये जो एक भ्रम की स्थिति मतदाताओं के बीच में या उनके समर्थक ही है, जो भी मैहर में समर्थक है, उन समर्थकों के बीच में भी ये भ्रम की स्थिति अभी तक बनी हुई थी कि कांग्रेस से लड़ेंगे कि विंध्य जनता से लड़ेंगे या आने वाले दल में किस दल से लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है, और वो विरोधाभास या वो भ्रम की स्थिति कब दूर होगी, वो कहीं ना कहीं जब तक चीज़ें निर्वाचन कार्यालय में जा कर के नामांकन न हो जाए तब तक इस तरीके की भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आप आए और मैहर विधानसभा को लेकर के चर्चा की। धन्यवाद केशव जी।